माँ बापा भोट प्रचार कले झीओ ज्वाई बलांगीर जिला पटनागढ़ निर्वाचन मंडल में दीर्घ 25 वर्ष धरी बीजेपी गड़ थिबा बेले गत 2019 निर्वाचन में गड़भेद करिबारे सक्षम होता बीजेडी बीजेपी से ही गड़ को फेर आणवाई जोरदार प्रयास जारी रखिता बेले प्रचार मैदान को ओह्लाई पटना महाराजा कनकवर्धन सिंहदेव झीओ और ज्वाई पटनागढ़ बीजेपी विधायक प्रार्थी तथा पटना महाराजा कनकवर्धन सिंहदेव और बलांगीर लोकसभा सांसद प्रार्थी संगीता कुमारी सिंहदेव भोट भिक्षा करने आसी ज्वाई सुदूर राजस्थान राज्यस्थित उदयपुर राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवार और झीओ निवृत्ति सिंह मेवार झीओ ज्वाई दुहें विधानसभा मंडली विभिन्न अंचल बुली लोकों को भेटा सहित विभिन्न जगह महिला समावेश कर भोट भिक्षा करुछंती। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को एक मजबूत प्रदेश और एक मजबूत देश की अगर हम लोग कामना करते हैं तो हम सब लोगों का जो है मत है जो एक बड़ा अहमियत जो रखता है, हर एक नागरिक की जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य जो है उसको पूरी तरीके से जिसका जो है हम निर्वाह करें, एक मजबूत प्रदेश और एक मजबूत देश को जो है हम लोग बनाएं, उसी के सिलसिले में एवज में मैं महाराजा साहब और माननीय साहब के लिए जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुआ। 2019 में महाराजा साहब युद्ध में हार गए थे जी, आप इतना मेवा से आए हैं सहायता केंद्र महाराजा साहब को जी, इस बार युद्ध कैसा होगा? अब देखिए, काश मैं जो है वो भविष्यवाणी कर सकता, पर अभी जो माहौल और मंजर देखते हुए और जो काम सरकारें कर रही हैं उसको देखते हुए जो है यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचें, प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जो है वो सोचें, और आज की तारीख में जो योजनाएँ और जो काम सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं और जो सामने आ रहे हैं उसके बारे में सोचते हुए हम देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी जो बनती है उसको हम लोग कैसे पूरी तरीके से निर्वाह कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हार जीत का सवाल है, राजनीति के अंदर जो है ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है और 5 बार वो लगातार जो है वो जीते हैं, तो लोगों ने प्यार किया ही है, काम किया ही है, तब जाकर वो जो है वो जीते हैं। और शायद इस बार उन लोगों ने जो चीज़ महसूस करी, हम लोग पूरी उम्मीद यही करते हैं कि महाराज साहब भारी मतों से जो है वो विजयी जो है वो। युद्ध के बारे में महाराजा साहब से और कौन ज़्यादा जान सकता है जी, रणनीति कैसा होगा इस बार 2024 में? देखिए, आज की तारीख में मैं सबसे पहले बात मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में अगर यूथ को आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर कह सकता हूँ कि महाराजा साहब जो हैं वो शिक्षा को लेकर काफ़ी जो है वो मंथन चिंतन जो है वो करते रहते हैं, बातचीत जो होती रहती है। तो यूथ को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, खेलकूद के अंदर आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो योजनाएँ जो हैं जो उनके दिल दिमाग में ज़रूर हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ज़रूर सामने आएंगी और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षित और खेलकूद के अंदर जो है वो आगे बढ़ाएंगी। देखिए, वो ईश्वर भगवान एकलीनाथ भोलेनाथ की कृपा से जो है हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। ये जब तक जो है वो रिजल्ट आ नहीं जाता, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम भविष्यवक्ता नहीं है, जो काम कर सकते हैं जमीनी स्तर के ऊपर वो हम लोगों को जो है वो करना चाहिए और उस करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बलांगीर अंजु पृष्टि की रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।